यूपी का दबदबा रहा। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी को जगह मिली, महेंद्रनाथ पांडे का भी प्रमोशन हुआ। तो मोदी सेना में यूपी के 8 सिपाही, स्मृति ईरानी, महेंद्रनाथ पांडे और राजनाथ सिंह, ये कैबिनेट मंत्री। और वहीं हरदीप सिंह पुरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संतोष गंगवार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और वहीं जनरल वीके सिंह राज्य मंत्री, रिटायर्ड जनरल वीके सिंह। और वहीं दो नाम, साध्वी निरंजन ज्योति और संजीव बालियान, जिन्हें राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो मोदी सेना में यूपी को काफी अहमियत दी गई है, काफी तरहीज दी गई है। तो यूपी से कुल 8 मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री 3 हैं, राज्य मंत्री 3 हैं, और वहीं स्वतंत्र प्रभार 2 मंत्रियों को दिया गया है। कुल 8 मंत्री यूपी से, जो सबसे बड़ा सूबा जहां से सबसे ज्यादा सीटें भी जीती। कैबिनेट मंत्री 25, स्वतंत्र प्रभार 9, राज्य मंत्री 24, 58 मंत्री। जो सरकार ने कल मोदी सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 25 रही, मोदी समेत स्वतंत्र प्रभार 9 मंत्रियों को, और वही राज्य मंत्री 24 रहे। तो कुल 58 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है। और जो देखिए यूपी से सरकार, वन से जो मंत्री बाहर हुए हैं, शिव प्रताप शुक्ला, मतलब ये मोदी कैबिनेट जो पहली थी उससे ये बाहर हुए हैं, अब नहीं मिली है इन्हें जगह। महेश शर्मा के नाम, सत्यपाल सिंह, महेश शर्मा का काफी नाम आ रहा था कि उन्हें कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मेनका गांधी, बड़ा नाम मेनका गांधी का, लेकिन इन्हें भी इस बार जगह नहीं मिली है। काफी महत्वपूर्ण मामले इन्होंने देखे पिछली बार, अनुप्रिया पटेल अपना दल से हैं, लेकिन इस बार इन्हें भी मंत्री पद नहीं दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने दोबारा देश के पीएम पद की शपथ ली, हजारों लोगों